तिरुपति लड्डू पर व्यवहृत घिअर मिशिला मेल और पशु चर्बी चंद्रबाबू नायडू अभोग पर आसला लैब रिपोर्ट और यह वर्तमान समय तुम्बी तोफान आरंभ हो सारी आंध्र राजनीति में हलचल देखा मिली। गुजरात में राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड पशुधन खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केन्द्र प्रयोगशाला एही रिपोर्ट देखिए। तेज आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एभली अभियोग आनी चंद्रबाबू अभियोग करते जगनमोहन रेड्डी सरकार समय रे लड्डू प्रस्तुत पर व्यवहृत होता घिअर पशु चर्बी आउ तेल रही घिअर नमूना को जांच करने गुजरात पठा जा रिपोर्ट आसवा पर आंध्र प्रदेश में शासक दल तेलुगु देशम पार्टी एवं विरोधी वाईएसआर कांग्रेस मध्यरे वाकयुद्ध तीव्र होइछे। वाईएसआर कांग्रेस कहिछि जे राजनीतिक उद्देश्य रखी एभली अभियोग आनिछंती चंद्रबाबू नायडू आउ टीडीपी रिपोर्ट सामना पड़िछे। लड्डू पाई व्यवहृत होता घिअर रही पशु चर्बी घिअर माछ तेल और पशु चर्बी थिला तबे निम्न मानर सामग्री एथिरे व्यवहृत होता। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू भोग करा जाय थाय। मंदिर परिचालना तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम करे थाय। भक्तों पाई लड्डू तैयारी करा जाय थाय। लड्डू भक्तों को दिया सहित भगवान को मध्य अर्पण करा जाय। तबे तीन प्रकार लड्डू भोग करा जाय। बालाजी के प्रति पूरे देश नहीं पूरे विश्व की आस्था वहाँ टिकी हुई है। एक परम पवित्र स्थान है, वहाँ पे लोग प्रसाद लेने जाते हैं सनातनी, और ये समझते हैं कि यहाँ से हमें शुद्ध मिलता है। लेकिन आप देखिए जैसे थूक जिहादी हैं, जैसे मूत्र जिहादी हैं, कोई चीज़ में थूक के देते हैं मूत्र करके देते हैं, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जगनमोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी वर्तमान मुख्यमंत्री जी से कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगनमोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए और उनको सलाखों के अंदर डाला जाए। उन्होंने पूरे हिंदू समाज के करोड़ों करोड़ों हमारे सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुंचाया है।